छोटकी प्रतिज्ञा आएगी। पहले ना हम सारे को अब सुधर गए हैं ना भैया, अब तक तो एक कैटो थी, अब दुदू हो जाएंगी है तो हमार गति बनाए देंगी। अब वैसे साला समाज में बहुत सज्जन सिंह भरे पड़े हैं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपको आपका। और आपको बता दें कि आज हमारे बीच हमारे साथ साधना न्यूज के स्टूडियो में आए हुए हैं ठाकुर सज्जन सिंह यानी अनुपम श्याम ओझा जी। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे, प्रतिज्ञा की हमने यहाँ पर बात की थी, और जिस तरह से आप ठाकुरायन को लात मारते थे, आपने खुद कहा और बताया कि जो महिलाएं आपको मिलती थी वो बहुत खुश भी होती थी आपके करेक्टर को लेकर, वो तो रियल लाइफ थी। रियल लाइफ में महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? नहीं, मैं तो यही कहता हूं कि नहीं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। अब अबला जो है वो अबला नहीं रह गई है, सबला है। पहले ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन अब वो ज़माना निकल गया, अब वो लाइनें चरितार्थ नहीं होती। महिला आज पुरुषों के साथ कदम बढ़ा के आगे बढ़ रही है, लेकिन जो हिंदुस्तान में या एक जो पुरुषों की मेंटेलिटी है कि महिला को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसको वो एक सब्जेक्ट समझते हैं, एक विषय वस्तु है, भोग की वस्तु है। और किसी को डर नहीं, कोई रेप कर दे रहा है, कोई बलात्कार कर दे रहा है, कहीं किसी को कानून का डर नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि वो बच्ची का रेप कर दिया इसी दिल्ली में जी। है ना, और भी कितने रोज एक से एक केसेस आ रहे हैं। कानून भी आ रहा है, लेकिन कानून का भय लोगों में नहीं है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कानून आए कि जिससे लोगों को भय लगे और वो इस पाप से, इस दुष्पाप से बचें, औरत का मान करें, उसकी मर्यादा रखें, उसकी इज्जत करें, और नारी जो देवी है उसको देवी की तरह ही उसको स्वीकार करें। बहुत अच्छा। यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इतना लोग आपको पसंद करते हैं, लोगों के दिल के बहुत करीब हैं आप, रियल लाइफ के बारे में तो सब जानते हैं, कुछ रियल लाइफ के बारे में भी बताइए जो दर्शकों को ना पता हो और उत्सुकता हो कि आपकी रियल लाइफ के बारे में भी कुछ पता चले। रियल लाइफ तो बहुत ही अतरंगी रही है। कुछ ऐसे पल जो हाई स्कूल आप शेयर कर सकें? हाई स्कूल पास करने के बाद आपको बताया कि मैं थिएटर का रास्ता ढूंढ रहा था, नहीं मिला। बहरहाल जब रास्ता मिला तो परमानेंट रास्ता नहीं मिला। मैं रंगमंच राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से कैजुअल आर्टिस्ट, और मैं नॉर्थ ईस्ट के टूर पे गया था जी। उस टूर में वहाँ सब लोग नाटक कर रहे थे, मैं कैजुअल था, बाकी सब परमानेंट थे। तो अगला शो जो था हम लोगों का मणिपुर आसाम के बाद, वो सिक्किम में होना था। तो किसी को कुछ मज़ा लेना था या उनको समझ में नहीं आया, किसी को वहाँ अपनी घुमाई करनी थी, उन लोगों ने हमारे ऊपर ये बोझ डाल दिया, ड्यूटी सौंप दी कि ये पूरा ट्रक लेके आप सिक्किम से सिक्किम जाएंगे। तो मैं मणिपुर से गुवाहाटी, मतलब इम्फाल से गुवाहाटी, गुवाहाटी से मैं फिर सिक्किम के लिए निकला है। और रास्ते में अब वो उग्रवादी थे, कौन थे मुझे नहीं मालूम, ट्रक रोक के पहिया गोली मार दी, पहिया पंचर हो गया, ड्राइवर को मारा, हम लोगों को SLR बंदूक लगा के उतार दिया। मेरे पास 40,000 रुपए पैसे मांग रहे थे, ये पैसे दो। लेकिन वहाँ भी मेरे चेहरे पे लाइट मार रहे थे, और जब एक्टर के चेहरे पे लाइट मारोगे तो एक्टर सब कुछ भूल जाएगा, फिर एक्टर परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। और मैंने परफॉर्म किया। परफॉर्म क्या किया कि मैंने कहा देख लो भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, ये हूँ मैं, थिएटर को हूँ तुम्हारे बंगाल में, आसाम में यात्रा होती है, आपकी भाषा आमी आमी जानी ना, आमी मोटा मोटी बूझते पर
मुझे नहीं मामा, किसी तरह उनको चाहता था कि ये मेरी बात को अंगीकार करें, उसको स्वीकार करें और मान जाएं। अंततः पता नहीं क्या उनको लगा, फिर उन्होंने कहा कि ओके गो, जान में जान आई। फिर वहाँ से मैं निकला और फिर रास्ते भर रुका नहीं, फिर मैं सिलीगुड़ी आके ही रुका हूँ। लेकिन ये तो एक था, लेकिन मेरी आज तक मैंने जितना परफॉर्म किया उसको आप एक किनारे रखिए। हम अपनी परफॉर्मेंस गिनते हैं जब 84 के दंगे हुए थे, कितने सरदार सिखों के घर जला दिए गए थे, लेकिन मैंने अकेले अपने एक दोस्त के साथ मिलके कम से कम नहीं तो 7-8 जलते घर बचाए। हिंदू मुस्लिम दंगा एक बार हुआ, वो हिंदू मुस्लिम दंगा भी मैंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस, मेरे पास कोई हथियार नहीं था, अब कलाकार आदमी हथियार कहाँ से रखेगा, कोई हथियार नहीं था, मैंने अपनी जबान अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए हमने जलते हुए घर बचाए, हमने दंगा होने से बचाया, और इसको मैं अपनी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में गिनता हूँ। जी अनुपम जी, जब से प्रतिज्ञा सीरियल जो है वो ख़त्म हुआ है, जो महिलाएं हैं वो टीवी चैनल चेंज करके देखती रहती हैं कि कहीं ठाकुर सज्जन सिंह मिल जाए, कहीं मिल जाए, लेकिन कहीं मिल नहीं रहे हैं। आपका अगला सीरियल या अगली मूवी कब आने वाली है वो भी दर्शकों को बता दें। देखिए, अभी एक फिल्म हमारे दोस्त ने बनाई है, उसका नाम भी आप सुन लीजिए, उसका नाम है प्रणाम वालेकुम, होता है सलाम वालेकुम, उस फिल्म का नाम है प्रणाम वालेकुम। और वहाँ पे आलमपुर और पालमपुर, ये दो गांव की कहानी है जो हिंदुस्तान से बाहर है, ना हिंदुस्तान में है ना इंडिया में है, वो कहीं है जहाँ लोग इतने सीधे साधे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। आलमपुर वाले आलमपुर में रहते हैं, पालमपुर वाले पालमपुर में रहते हैं, जो शाक भाजी शाकाहारी हैं वो पालमपुर में हैं, बाकी जो मांसाहारी हैं वो आलमपुर में हैं। अब उन दोनों में इतना एक साथ जुड़ाव है कि गेहूं वहाँ पैदा होता है तो पीसा यहाँ जाता है जी, सरसों वहाँ उगती है तो तेल यहाँ पर निकाला जाता है, और मतलब इस तरह का मेल मिलाप है। और उसी में कोई बोल देता है कि सरदार